जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल GRS संतोष। वीडियो देखने के पहले वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इससे आपको इसी तरह के वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। मनरेगा ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा 23 सितंबर 2019 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी का स्वागत समारोह किया गया था। उस सम्मेलन में हजारों की संख्या में ग्राम रोजगार सेवक साथी पहुंचे थे। उस समय विधानसभा उपचुनाव भी हो रहा था, जिसे लेकर मंत्री जी ने आचार संहिता का हवाला दिया था। कहा था, मैं आप लोगों को देना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर आचार संहिता लगी होने के कारण मैं कोई घोषणा भी नहीं कर सकता हूँ। और कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद आप लोगों के शिष्टमंडल के साथ वार्ता कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। इसको लेकर तमाम रोजगार सेवक साथी नाराज भी हुए। कहा कि जब आचार संहिता लगी थी तो सम्मेलन कराया क्यों गया? आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात भी ग्राम रोजगार सेवक संघ की वार्ता न होने पर भी काफ़ी आक्रोश व्याप्त होने लगा। परंतु इतना आक्रोश होने के बाद भी संगठन अपने काम में लगा रहा, और 30 अक्टूबर 2019 को ग्राम रोजगार सेवक संघ की 10 सूत्रीय मांग पत्र के क्रम में बैठक सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवृत्त ग्राम विकास आयुक्त द्वारा 18 नवंबर को जारी किया गया था। इस पर संगठन द्वारा 10 दिसंबर 2019 को ग्राम विकास आयुक्त के नाम एक पत्र भी जारी किया गया, और कहा गया कि मांग पत्र में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी उन पर अभी तक आदेश क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, यह पूर्ण रूप से आपके आदेशों की अवहेलना है। इसी क्रम में ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह जी का एक पत्र ग्राम विकास आयुक्त व अपर आयुक्त मनरेगा के नाम जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि ग्राम रोजगार सेवकों के सम्मेलन में जहाँ आप भी उपस्थित थे, उनकी मांग के क्रम में आप द्वारा मुझे बताया गया था कि बिंदु स्वीकार योग्य है जिस पर विभाग कार्रवाई कर रहा है एवं कठिनाई है, इसमें विधिक समाधान हेतु विभाग को कार्रवाई हेतु मैंने लिखा था। मुझे बताया गया है कि दिनांक 10 नवंबर 2019 को प्रकरण पर आयुक्त ग्राम विकास के साथ बैठक की गई थी। मैं चाहूँगा इस प्रकरण पर आयुक्त ग्राम विकास एवं आप दिनांक 17 दिसंबर 2019 को दोपहर 3 बजे मेरे कार्यालय कक्ष में 73 मुख्य भवन में पत्रावली के साथ चर्चा करें। इस विषय पर संगठन के प्रदेश प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता जी व प्रदेश अध्यक्ष भूपेश जी द्वारा कहा गया है कि दिनांक 18 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ की प्रांतीय जिला ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक B4 दारुलसभा लखनऊ में आहूत की गई है। सम्मानित पदाधिकारी और जागरूक साथी उपस्थित होकर विषम परिस्थितियों में संगठन निर्णय लिया जाए। तनिक भी संदेह नहीं है कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश कुमार सिंह व अन्य प्रांतीय व जिला पदाधिकारियों ने संघर्ष प्रयास में कोई कमी रखी है। मुख्यमंत्री जी के स्तर तक वार्ता हुई, परंतु परिणाम मन मुताबिक नहीं निकला। वर्तमान परिस्थितियों में 3 प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कोर्ट में 3 वर्ष वाले प्रकरण नगर निकाय से बेरोजगार हुए रोजगार सेवकों बकाया मानदेय समय से मिले। नगर निकाय से प्रभावित सभी लिखित रूप से मजिस्ट्रेट के पास आपत्ति जरूर दर्ज करा दें। उपरोक्त समस्या ने गंभीर रुख अपना लिया है। आगामी 17 दिसंबर 2019 को माननीय मंत्री ग्राम विकास की अध्यक्षता में होने वाली बैठक की वार्ता में उपरोक्त समस्या का निराकरण न हुआ तो संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बड़ी विडंबना है कि सरकार में उच्च से उच्चतम स्तर तक वार्ता होती है, सहमति बनती है, कार्यवृत्त बनते हैं, परंतु आदेश जारी नहीं होते हैं। ऐसी तानाशाही बर्दाश्त योग्य नहीं है। 3 वर्ष के प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा पारित यथास्थित का आदेश वर्तमान में 15 जनवरी तक विद्यमान है। सम्मानित साथियों, आपको अवगत कराना है कि 17 दिसंबर 2019 को माननीय मंत्री जी के स्तर पर होने वाली बैठक के गुण दोषों के आधार पर 18 दिसंबर 2019 को B4 दारुलसभा लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ की बैठक में उपस्थित होकर सरकार पर दबाव बनाने हेतु उचित निर्णय लिया जाए। सम्मानित साथियों, आप हताश और निराश न हो, क्योंकि संगठन की पैनी निगाह विधिक स्थित और सरकार के रवैये पर रखी जा रही है। आपका संगठन ही आपकी प्रत्येक लड़ाई में सक्षम है। सम्मानित साथियों, आप सभी से अपील है कि कृपया धैर्य बनाए रखें और संगठन पर विश्वास रखें। तय समय 18 दिसंबर 2019 को आपके विचारों के उपरांत संगठन द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा और आदेश पारित कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, और इसे ईश्वर की कृपा से सफलता भी मिलेगी। आप हम सभी अपना पद बचाते हुए सम्मान सहित आगे भी अपना कार्य करते रहेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं।